गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी और आपकी बुक का नाम है सितीज भाग 2, जिसमें से काव्यखंड पाठ का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, करने जा रहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद करवाने से पहले मैं आपको तुलसीदास जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। उनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ और कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार वो सोरों में पैदा हुए। उनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे जी और माता का नाम था फुलसी। उनकी शादी हुई थी रत्नावली से और उनके एक पुत्र भी हुए थे तारक, जो कि बाद में मर गए थे। तो बाद में जो उनके गुरु हैं नरहरिदास, उनसे दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने कम से कम 12 रचनाएं लिखी। जो 12 रचनाएं उनकी प्रसिद्ध है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं, जिनमें से रामचरितमानस उनका फेमस महाकाव्य रहा है। और जो उनकी दृष्टिकोण रहा है, समन्वयवादी दृष्टिकोण रहा है उनका काव्य में, हमेशा ही साहित्य में भी उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण रहा है। उनकी भाषा अवधि रही है, तुलसीदास जी अवधि भाषा के जाने माने कवि रहे हैं और ब्रज भाषा पर भी उनका पूरा अधिकार रहा है। जो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये रामचरितमानस के जो उनका महाकाव्य है, उनके एक अंश से लिया गया है, उन रामचरितमानस के एक अंश का भाग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम, इन तीनों के बीच आपस में संवाद चल रहा है, उसके बारे में तुलसीदास जी ने बताया है। जैसे कि आप सभी जानते हो, रामायण में राजा जनक ने एक शर्त रखी थी, जो भी राजकुमार शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। जो श्री राम जी थे, उन्होंने शिव धनुष को तोड़ दिया और सीता का वरण किया। लेकिन जो परशुराम जी थे, वो शिव भक्त थे। जैसे ही शिव धनुष टूटा, वो उस राजसभा में आए और बहुत क्रोधित हुए। क्यों? क्योंकि शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया, और उसी वार्तालाप को यहाँ उन्होंने दर्शाया गया है। जैसे कि हम उसका जो फर्स्ट व्याख्या देखिए, ना संबोधनो भंज नियारा होई कोई एक दास कुमारा। जैसे कि संकेत लिखेंगे आप, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड वही पर्सन, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सितीज भाग 2 काव्यखंड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई हैं, और इसके कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम जी का जो चरित्र है, उसके वो दर्शाया है कि सभी का नेचर कैसा है इसमें। और स्पेशली कि शिव जैसे कि परशुराम जी थे, बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, राम थे विनम्र स्वभाव के थे, और लक्ष्मण भी क्रोधी स्वभाव के थे। तो यहाँ पे उन्हीं के करैक्टर को यहाँ दर्शाया गया है। ना शंभु धनु भंज निहारा, शंभु धनु मीन्स शंभु कौन हो गए, भगवान शिव, शिव धनुष। यहाँ पर श्री राम जी, जब परशुराम जी को क्रोध आता है, उनके क्रोध को शांत करने के लिए विनम्रता पूर्वक उनसे विनती करते हैं कि हे नाथ, यहाँ पर श्री राम जी कह रहे हैं किसको, परशुराम जी को, हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, शिव धनुष को तोड़ने वाला, भंज निहारा मीन्स तोड़ने वाला, कोई एक दास ही हो सकता है। यहाँ पर श्री राम जी परशुराम जी का क्रोध शांत करते हुए उनसे विनम्रतापूर्वक बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई एक दास ही हो सकता है। आयसु कहा कहिए किन मोहे, कहते हैं कि आयसु, आपको जो आज्ञा देनी है आप मुझे क्यों नहीं कह रहे, मोही किन कहिए, मोही मीन्स मुझे क्यों नहीं कह रहे। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी रिसाई, रिसाई होता है क्रोधी, रिसाई क्या होता है,
क्रोधी, कहते हैं क्रोधी स्वभाव। जब श्री राम जी ने ये वचन कहे कि जो सिर जिसने सिर धनुष तोड़ा है वो तुम्हारा कोई एक दास ही हो सकता है, अगर कोई आपको कोई आज्ञा देनी है तो मेरे मुझे बताइए, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे। यह वचन सुनकर कौन क्रोधी स्वभाव वाले मुनि क्रोध में भरकर क्या बोले, क्या बोलते हैं वो, सेवकू सो जो करे सेवकाई। यहाँ पर परशुराम जी क्या कह रहे हैं, क्रोध में भरे हुए क्रोधी स्वभाव वाले हम, तो क्या कह रहे हैं, सेवा करने वाला सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई। अगर सेवक है तो सेवा करने वाला होता है, अरे करनी करी करिए लड़ाई, और जो सुतुरता करता है उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। दोबारा से सुनिए, सेवको सो जो करे सेवकाई, अगर सेवक है तो सेवा करता है, लेकिन अरे करनी, अगर सुतुरता करता है तो उससे क्या करनी चाहिए, लड़ाई, लड़ाई करनी चाहिए। लड़ाई का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, लड़ाई। सुनो राम जे सिव धनु तोरा, यहाँ पर परशुराम जी आगे क्या कह रहे हैं, हे राम सुनो, जिसने यह सिव धनुष तोड़ा है, सिव धनु में सिव धनुष तोड़ा है, वह सहस भाऊ, सहस भाऊ एक राक्षस थे, कहते वह सहस भाऊ राक्षस के समान मेरा शत्रु है। रिपु क्या हो गया, शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नै तै मारे जेई सब राजा। यहाँ पर वो भरी सभा में सभी को चेतावनी देते हुए कौन कह रहे हैं, परशुराम जी, जिसने ये सिर धनुष तोड़ा है, बिलगांव में अलग हो जाना, वह इस सभा में सबसे अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजाओं के साथ वह भी मारा जाएगा, यानी कि उसके साथ वो सभी राजा मारे जाएंगे। यहाँ पर परशुराम जी पूरी सभा में चेतावनी दे रहे हैं कि जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सभा से अलग हो जाए, वरना सभी उसके साथ साथ सभी राजा लोग मारे जाएंगे, सभा में उपस्थित जितने भी राजा लोग थे वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि वचन, मुनि के, मुनि कौन है यहाँ पर, परशुराम जी, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, कि जब उन्होंने ऐसी बात कही तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, एक व्यंग्यात्मक हंसी उनके चेहरे पर थी। बोले परशुधरी अवमान, और वे लक्ष्मण जी बोले परशुराम जी से, उनकी अवमानना करते हुए यानी उन पर एक व्यंग्य करते हुए क्या बोले, बहु दुनी तोरी लड़िकाई, लड़िकाई मीन्स बचपन में, कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसे अनेक धनुषों को तोड़ा है, कभू ने असे रीस किनी गोसाई, गोसाई कौन है यहाँ पर, कौन है, परशुराम जी, कि हे स्वामी आपने जब कभी क्रोध नहीं किया, रीस क्या हो गया, क्रोध करना, कहते हैं हमने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं लेकिन तब आपने कोई क्रोध नहीं किया, ये धनु पर ममता के हेतु, इसी धनु में धनुष पर किस कारण से ममता है, कि आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु, भृगु वंश के केतु मीन्स धवजा, कौन, परशुराम जी के लिए वर्ड आया, बहुत ही सुंदर है ये, परशुराम जी के लिए आया हुआ है। कहते हैं कि इन वचनों को सुनकर, लक्ष्मण जी के व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होते हुए बोले, रे नृप बालक, नृप बालक कौन हो गया, राजकुमार, कहते हैं कि रे राजकुमार, हे राजकुमार, कालवश बोलत कि तुम काल के अधीन होकर, कालवश यानी काल के अधीन होकर तुम ऐसा बोल रहे हो, तो ही न संभाल, अपने आप को संभालो, यानी कि जो तुम बोल रहे हो उन वचनों को संभाल कर बोलो। तू धनोई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित मीन्स जानना, सकल मीन्स सारा,
कहते हैं कि ये सारा संसार जानता है कि शिव धनुष और धनुषों के समान नहीं है। क्या शिव धनुष और धनुषों के समान है? तो एक बार दोबारा से सुनिए, ये व्याख्या बहुत इजी है लाइन से करेंगे तो। यहाँ पर परशुराम जी से क्या कह रहे हैं कि हे स्वामी, शिव धनुष को नष्ट करने वाला कोई एक दास ही हो सकता है। आयसु कहा कहिए कि मोही कोई अज्ञा हो तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे। सुनी रिसाई बोली मुनि को ही। यह वचन सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले जो मुनि हैं क्रोध में भरकर क्या बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करता है, सेवको सो जो करे, सेवा जो करता है वह सेवक होता है, लेकिन अरे करनी जो स्तुरता करता है उससे क्या करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। सुनो ही राम जी ही शिव धनु तोड़ा। तो यहाँ पर फिर वो राम को क्या बोल रहे हैं चेतावनी भरे स्वर में, हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस भाव के समान, सहस भाव राक्षस के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा नेते मारे जही सब राजा। कहते हैं कि जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है, परशुराम जी क्या कह रहे हैं, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह इस सभा में सबसे अलग हो जाए, वरना उसके साथ साथ सभी राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। इन मुनि के इन वचनों को सुनकर लखन जी मुस्कुराने लगे और बोले परशुराम जी से व्यंग्यात्मक भरे स्वरों में उनकी अवमानना करते हुए बोले कि हे मुनि, हे स्वामी, हमने बचपन में भी अनेक धनुषों को तोड़ा है, कबू ने ऐसे रिस्की नहीं गोसाई कि आपने तब ऐसा हम पर क्रोध क्यों नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है? सुनी रिसाई कह भृगुल केतु। कहते हैं कि इन व्यंग्यात्मक भरे वचनों को सुनकर क्रोधित परशुराम लक्ष्मण जी से क्या बोले, हे राजकुमार, काल के अधीन हो, बोला तो इन्हें संभाला, तुम अपने वचनों को क्यों नहीं संभाल रहे हो? अर्थात क्या तुम काल के अधीन होकर बोल रहे हो ऐसा, अपने आप को संभालो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। सारा संसार जानता है क्या शिव धनुष अन्य धनुषों के समान है। तो ये आपकी फर्स्ट व्याख्या हो गई है कंप्लीट। इसके बाद आप विशेष लिखेंगे, इसमें पूरे में क्या दिखाया गया है, सबसे ज़्यादा परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव को दर्शाया गया है या राम राम जी के विनम्र स्वभाव को और परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव को दर्शाया गया है। इसमें जो है चौपाई छंद है, विशेष में ही लिखेंगे आप, चौपाई छंद है रौद्र रस औज गुण, ये कुछ जो लाइनें हैं जो आप सभी उनमें ऐड कर सकते हैं। भाषा क्या है, अवधि है, भावों के अनुकूल है, लयात्मक है, ये कम से कम 7-8 पॉइंट बनाएंगे आप। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। आई थिंक आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स।